कहीं से भी आ जाता है, किसी को भी थोड़ गया, राइट। तो पाकिस्तान ना आज पूरा अननोन मैन का डर से जी रहा। अननोन मैन के लिए मत डरो, इसको थैंक यू कहो। थैंक यू इसीलिए कहना चाहिए, इनका जो जितना ये आतंकवादी संगठन है, अननोन मैन को बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारा देश में भी आजकल ये जो आतंकवादियों के लिए प्रेम बढ़ने लगा है ना। नमस्कार, आपको एक बार फिर से स्वागत है। मेरा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आपके लिए वो फ्री है, मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए। तो दोस्तों, अननोन मैन ये जो नाम है, अननोन मैन आज पूरा पाकिस्तान में इसने खौफ पैदा कर दिया। मतलब ये है कौन अननोन मैन, किसी को नहीं मालूम, कहीं से भी आ जाता है, किसी को भी थोक देता है, राइट। तो पाकिस्तान ना आज पूरा अननोन मैन का डर से जी रहा। आपको मालूम होगा, आज से 3-4 दिन पहले साजिद मीर, लश्करे तैयबा का जो ये आतंकवादी संगठन है, इसको किसी ने सेंट्रल जेल का अंदर पॉइजन दे दिया, वहीं पे उसका कहानी खत्म हो गया। मतलब 72 घोड़े के पास उसको पहुंचा दिया गया है। साजिद मीर वो आतंकवादी है जो मेन कंस्पिरेटर था 26/11 का, जो मुंबई में अटैक हुआ था, उनका कहानी वहीं पे खत्म कर दिया। अननोन मैन, किसी को नहीं मालूम कहाँ से आया वो, किसने पॉइजन दिया, किसी को नहीं मालूम। आज का खबर है हंजला अदनान, ये आतंकवादी कहा जाता है ये कम्युनिकेशन का एक्सपर्ट है, जिसने 2015 में जो उधमपुर अटैक हुआ था ना, BSF का जो कन्वॉय उसका ऊपर अटैक किया था, इसका मास्टरमाइंड है। और इसने 2016 में जो पंपोर में अटैक हुआ था उसका भी मास्टरमाइंड है। इनफैक्ट पुलवामा में 14 फरवरी 2019 में जो अटैक हुआ था उसमें भी इसका रोल है। इसको कारासी में किसी ने थोक दिया, वो भी अननोन मैन। अब बताइए, मतलब अननोन मैन का जो डर है ना पाकिस्तान में, इस वक्त भयंकर है, मैंने बोला ना। लेकिन मेरा कहना मानो पाकिस्तानियों, तुम इसको अननोन मैन के लिए मत डरो, इसको थैंक यू कहो। थैंक यू इसीलिए कहना चाहिए, इनका जो जितना ये आतंकवादी संगठन है ना पाकिस्तान, इनका कहना गलत होगा, इसको काहे के लिए रिस्पेक्ट देना है। इसका ये जो 72 घोड़े पाने का जो इसका ये आतंकवादी संगठन है, जो रेडिकल इस्लामिस्ट है ना, इसका तो वही मानसिकता है कि मुझे 72 घोड़े चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं लोग, सुइसाइड बम्बर बनते हैं, किसी भी देश में जाते हैं है ना, अपने आप एक बम लगाते हैं, भाग जाते हैं, उसके लिए काफ़ी रिस्क होता है। तो अननोन मैन उसका जो कहानी है ना, इजीली कर रहा है कि आराम से जाओ, 72 घोड़े के पास पहुँचा रहा है, चिल करो ना, काहे के लिए दिक्कत है। मतलब जब भी अननोन मैन का कांड हो जाता है, उसके बाद आप देखना पाकिस्तान में जो मीडिया है वो एक्टिव हो जाता है, और वो पूरा ब्लेम रोका पर ठोक देते हैं, बोलते ये रोका किया धरा है। यार मुझे एक बात बताओ, आज पाकिस्तान में जितना ये अननोन मैन का कांड हुआ है, सबका रिलेटेड कहीं ना कहीं हमारा देश का साथ ही है ना। उन्होंने नहीं किया, अगर किया भी है तो क्या गलत किया है, सही किया है ना। थैंक यू तो तुम बोलोगे नहीं है ना। ऐसे हमारा जो देश है ना, तुम्हारा साथ टाइम देने के लिए हमारे पास नहीं है, लेकिन हाँ, तुम्हारा जो ये गलत कारनामा है ना, उसका ऊपर हमारा जो IB एजेंसी है ना, उसका बिल्कुल नजर रहता है, क्योंकि तुम वो साफ हो, कभी तुम्हें बिलीव नहीं कर सकता, 1% भी तुम्हें बिलीव नहीं कर सकता। क्या पता तुम ये FATF से मतलब बचने के लिए सब कर रही हो। ये जो लश्कर तैयबा का जो ये आतंकवादी है, इसको हो सकता है तुमने सर्टिफिकेट दे दिया होगी, भाई हम तुम्हें ऐसे गेम बना के बोल देते हैं, तुम मर गया उसके बाद तुम प्लास्टिक सर्जरी मर्जरी कर लेना, उसके बाद तुम खुद जी लेना अपना जिंदगी, ये भी हो सकता है, तुम्हें बिलीव नहीं कर सकता। लेकिन अगर सही में अननोन मैन उसको ठोक रहा है ना, बहुत मस्त कर रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। और मैं तो कहता हूँ अननोन मैन को कि भाई साहब, आप जो भी हो और ठोको उसको, मतलब 72 घोड़े का पास इतना पहुँचाओ कि 72 घोड़े बोल दे कि अभी मत पहुँचाओ, और नो एंट्री लगा दो, और कुछ दिनों के लिए वेट करो, इस टाइप में 1 गुना नहीं 10 गुना नहीं 100 गुना बढ़ाओ इसको थोकने का। और आप ना एक बार जहाँ से भी हो, हमारा देश होते हुए भी जाना, अननोन मैन को बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारा देश में भी आजकल ये जो आतंकवादियों के लिए प्रेम बढ़ने लगा है ना, काफ़ी सारा हो गया, इनको भी आपका जो सलाम है देना जरूरी है। तो एक बार हमारा देश होते हुए जाना अननोन मैन, आप जहाँ से भी हो,
हमारा देश जरूर आना एक बार। यहाँ पर भी काफी लोगों का इलाज कराना बहुत जरूरी है। तो वही था मेरा संवाद आज आप तक पहुँचाना। आई होप आपको समझ में आया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप आपका ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा।